नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जाय शर्मा और आज जो है हम वो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme 5S की। तो ये वाला स्मार्टफोन जो है वो अभी अभी जो है वो Realme की तरफ से रिलीज हुआ है और आज जो है वो फ्लिपकार्ट से मेरे पास रिसीव हुआ है। तो आज जो है हम वो करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो है वो Realme X2 Pro की अनबॉक्सिंग करी थी। मैं नाम भूल जाता हूँ सर स्मार्टफोन का बार बार। और Realme X2 Pro की अनबॉक्सिंग जैसी अनबॉक्सिंग ही जो है मुझे यहाँ पर इसकी भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो फिर मैं डब्बे में से जो है वो फ़ोन को बाहर निकाल लेता हूँ। तो डब्बे को मैं फेंकता हूँ साइड में, यहाँ आपको बिल देखने को मिलता है, इस बिल को रखता हूँ मैं साइड में और इधर जो है वो आपको Realme 5S देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम टू सेम अनबॉक्सिंग जो है वो मुझे लग रही है। बिल्कुल Realme के सारे स्मार्टफोन की सब सेम टू सेम ही होती है। यह है Realme 5S जो कि Realme 5 का बड़ा भाई है, अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है वो रिलीज़ हुआ है। मैं इसकी पन्नी को भी उतार लेता हूँ और साथ में सील भी खोल लेता हूँ। तो जैसे ही अपन डब्बा खोलते हैं, अपने को यहाँ पर दिखता है Realme वेलकम टू Realme फैमिली। मैं ऑलरेडी Realme फैमिली का पार्ट हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो X2 जो है मेरे पास में ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसको हटाते हैं तो इसके अंदर से जो है वो कवर और कुछ यूज़र गाइड्स जो हैं वो मिलती हैं। इसको मैं वापस रख देता हूँ अंदर और यहाँ पर जो है वो आपको फ़ोन देखने को मिलता है बिल्कुल शानदार वाले कलर में। मैंने मंगवाया है ब्लू कलर के अंदर। और फ़ोन जो है उसके सारे सारे कैमरास जो हैं वो बिल्कुल इधर की तरफ हैं, कोने में, अनलाइक द Realme X2 जिसके बीच में है। पावर ऑन जो है वो फ़ोन हो चुका है। पीछे की बात करूँ तो फिर यहाँ पे आपको Realme का वो डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा शानदार वाला देखने को मिलता है। वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, फ़ोटोज से ज़्यादा प्यारा जो है वो आपको रियल लाइफ में लगेगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर, हालांकि Realme X2 Pro के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है पीछे की तरफ नहीं आता, वो स्क्रीन के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है एक हार्डवेयर स्कैनर। यहाँ पे चारों के चारों कैमरास जो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं और अब जो फ़ोन है वो मांग रहा है कि उसको जो है वो सेटअप करो। इसके अंदर भी जो है वो आपको कलर OS 6 ही देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अभी आने वाले अपडेट्स के अंदर इसके अंदर जो है वो अपडेट्स वगैरह आ जाएं और ये कलर OS 7 पे चल जाए, क्योंकि आई थिंक सो कि कलर OS 7 जो है वो बाहर आ चुका है। तो अभी से ही नोटिफिकेशन वगैरह आना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और हर एक Realme फ़ोन के अंदर एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, उसके अंदर फूकट के लोग ऐप्स जो वगैरह है वो भर के देते हैं। यहाँ पे डेली हंट, वर्ड, ऑफिस, WPS, ओपेरा न्यूज़ वगैरह के फूकट के ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, जिनको एक एक करके जो है वो मैं अनइंस्टॉल करूँगा थोड़ी सी देर के अंदर। लेकिन अभी मैं रखता हूँ फ़ोन को साइड में, अपन देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि सुपर वॉक चार्जर नहीं है, क्योंकि सुपर वॉक चार्जर जो है वो Realme X2 Pro के अंदर निकलता है और बिल्कुल वन प्लस के चार्जर की तरह लगता है। तो ये उससे बहुत ज़्यादा छोटा है, ये नॉर्मल USB चार्जर है। और यहाँ पे आपको जो है वो मिलता है एक केबल जो कि माइक्रो USB 2.0 पोर्ट की केबल है। यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को नहीं मिलती है, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है रिलीज होते ही। और यहाँ पे आपको जो है वो सिम इजेक्टर ट्रे का टूल मिलता है, जिससे आप अपनी सिम कार्ड वगैरह जो है वो निकाल के बदल सकते हो। तो इन सबको रखता हूँ बॉक्स के अंदर वापस से। अब जो है अपन ध्यान देते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आपको कलर OS 6 देखने को मिलता है। इसके अंदर भी जो है वो कलर OS 6 आता था, लेकिन मैंने उसको हटा के इसके अंदर कलर OS 6 नहीं हटाया, मैंने ओवरऑल लॉन्चर जो है वो बदल दिया। इसके अंदर मैंने नोवा प्राइम जो है वो डाल दिया, जिससे थोड़ा सा जो है वो मिनिमल हो जाता है और इसकी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा एक तरीके से इसके अंदर एंड्रॉयड जो है स्टॉक वाला फील आ जाता है इसको लॉन्चर को डालने से। तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल, तो फिर हो सकता है कि मैं इसके अंदर भी डाल लूँ। मैं बात करूँ कैमरास की, तो कैमरास जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं। ये है 1X, ये है 2X, यहाँ पे 5X भी है और यहाँ पे 1X नॉर्मल वाला वापस से आ गया। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का मोड जो है यहाँ पे अलग से दे रखा है इन लोगों ने ऊपर की तरफ। Realme X2 Pro के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड जो है वो आपको कैमरा की यहीं से ही जो है वो दिख जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। बस यही एक डिफरेंस है। आई जस्ट डोंट नो वाई कि इन्होंने ये वाला डिफरेंस यहीं पर ही दिया, इनको यहीं से ही जो है वो ट्रिगर वगैरह कर देना चाहिए था। और ओवरऑल बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली क्वालिटी दे रहा है अभी तो, क्योंकि लाइटिंग वगैरह जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट ओवरऑल जब मैं इस वाले फ़ोन का रिव्यू करूँगा तो उसके अंदर जो है वो A to Z सारे के सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो मैं चेक करूँगा। तो ओवरऑल मैं जब अभी जो हूँ वो डेली ड्राइवर को जो है वो Realme X2 Pro को यूज़ कर रहा हूँ और ये वाला फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आती है और इसके अंदर जो है वो 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आती है।
और मैं जो हूँ वो डिफरेंस को महसूस कर पा रहा हूँ स्मूथनेस के अंदर कि कितना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है ये वाला फ़ोन एज़ कम्पेयर टू ये वाला फ़ोन। लेकिन ये वाला फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है इस वाले फ़ोन के कंपैरिजन में। तो इसके अंदर जो है वो 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आती है एंड आई डोंट थिंक सो कि ये एमोलेड पैनल है, एक नॉर्मल IPS LCD पैनल है। बट टू बी ऑनेस्ट फोन इज़ नाइस, इट्स गुड, परफॉर्मेंस जो है अच्छी देगा। मैं इसके ऊपर जो है वो रिव्यू वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी बनाऊंगा, गेमिंग कंपैरिजन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को, Realme X2 Pro का रिव्यू भी जो है वो जल्दी से आने वाला है चैनल पर। तो बेल आइकन दबा देना ताकि आप एक भी अपडेट मिस नहीं करो और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम के ऊपर। दिस इज मिस्टर सैनिक और भाइयों जय हिंद। मेरा नाम है जाओ शर्मा।